ओनली ट्रुथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ट्रुथ पर। शुक्रवार की सुबह अमेरिका के नैशविल शहर में काले धुएं के बादलों को आसमान में लहराते हुए देखा गया। जिस क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ उसे उस शहर के पर्यटन का केंद्र माना जाता है। जैसे ही बम विस्फोट की घटना घटी आसपास की इमारतें हिल गईं, साथ ही दूर दूर तक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। पूरी दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही है, लेकिन अमेरिका ने नैशविल शहर की एक वीरान सड़क पर हुए विस्फोट ने सबको सकते में डाल दिया है। विस्फोट ऐसा हुआ कि आसपास की खिड़कियां हिल गईं, बिल्डिंगों को नुकसान हुआ और 3 लोगों को भी घायल कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई आतंकी मंशा है। विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय किस्म का है। फिलहाल FBI इस मामले में की जांच में जुट गई है। पुलिस के प्रवक्ता डॉन आरोन ने बताया कि सुबह 6:30 बजे विस्फोट हुआ, जो कि एक जानबूझकर किया गया कार्य लग रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसा लगता है कि विस्फोट के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने बताया कि इलाज के लिए 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालांकि इनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि इस मामले की जांच का नेतृत्व FBI खुद करेगी। FBI अमेरिका की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो फेडरल अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि विस्फोट और आतंकवाद से जुड़े मामले। आपको बता दें कि घटना की जांच के समय शराब, तंबाकू, फायर सर्विस और विस्फोटक ब्यूरो के जांचकर्ता भी घटना स्थल पर मौजूद थे। शुक्रवार की सुबह इस क्षेत्र में काले धुएं के बादलों को आसमान में लहराते हुए देखा गया। इस एरिया को शहर के पर्यटन का केंद्र माना जाता है। ये पूरा क्षेत्र बार, रेस्टोरेंट और बाकी चीज़ों से घिरा हुआ है। जैसे ही बम विस्फोट की घटना घटी आसपास की इमारतें हिल गई, साथ ही दूर दूर तक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। घटना स्थल के पास ही रहने वाले बक मकॉय ने इस घटना के बारे में अपनी फेसबुक पोस्ट करते हुए कहा, मेरी सभी खिड़कियां, उनमें से एक एक खिड़की उड़कर मेरे दूसरे कमरे में चली गई। अगर मैं वहां आसपास कहीं खड़ा होता तो वह बुरी दुर्दशा हो सकती थी। ये एक बड़े बम की तरह था। एसोसिएट प्रेस से बातचीत करते हुए वहां के निवासी ने कहा, वहां 4 कारें जल रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा होगा। हो सकता है ये विस्फोट इतना गर्म रहा हो कि इन कारों में आग गई। वहां आसपास खड़े पेड़ भी बिखर गए।